Please subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, क्या हाल हैं? सब ठीक है अल्लाह पाक से, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, आज सैटरडे का दिन है, आज भी छुट्टी है, कल की भी छुट्टी है। आज से आपके लिए तीन VIP किस्म की वीडियो लेके आया हूँ, जो कि अब वीडियो आपके लिए अपलोड की जा रही है। ये बड़ी रिसर्च के बाद आपके सामने रखी है, तमाम दोस्तों ने दिलचस्पी से इसको सुनना है, देखना है। और जो है तीन स्टॉक भी आपके लिए रखे हैं, जो बड़ी मेहनत से आपके लिए तैयार किए गए हैं। और ये स्टॉक जो है, ये मंडे को 70 से 80% चांसेस है कि अपर कैप हो। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो में आपने थंबनेल देखा होगा, जो थंबनेल का पर्पज़ है ना, वो आपके सामने रख दिया है कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, उसके बाद आगे स्टॉक मार्केट का क्या फ्यूचर है। तो दोस्तों, ये आज का हमारा मेरे दो टॉपिक हैं और दूसरे नंबर पे तीन स्टॉक हैं। वीडियो को आपने मुकम्मल एंड तक देखना है, आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखें। और दुआओं में याद रखें क्योंकि आपकी दुआओं की हमें ज़रूरत है, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह पाक ने बहुत पैसा दिया है, लेकिन आपकी दुआएँ चाहिए, ठीक है। और वीडियो को सब दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो मार्केट में गर्दिश है न्यूज़ के, जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में जा रहा है, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट में जाने का रिस्क 56 से 24 घंटों में अपना 75% पे पहुंच गया, तो पाकिस्तान अनकरीब डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। तो दोस्तों, मुझे बात बताएं, ये क्या बात है, अजीबोगरीब बात है कि देखें 24 घंटे में जी डिफ़ॉल्ट रिस्क 56 से 75 पे चला गया। इतने सालों में वो रिस्क नहीं बढ़ा, 56 से 24 घंटों में बढ़ गया। दोस्तों, ये सब ड्रामेबाजी हैं, सब ऐसे ही हैं, अदादे शुमार बयान करना जो होता है, ये सब बाएं हाथ का काम होता है ये वाला, ठीक है। और असल में रियलिटी आपको मैं ये बताऊं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से लॉस बुक करते हैं। हम उन सब लोगों के लिए लाए हैं एक गुड न्यूज। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इस ग्रुप में आपको डेली की बाइंग सेलिंग कॉल्स दी जाएंगी और कंपनीज और मार्केट से रिलेटेड न्यूज से भी अपडेट किया जाएगा। इस ग्रुप में आपको और भी बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और ग्रुप की फीस ओनली 1000 रुपीज पर मंथ है। इसके साथ हम अपना लर्निंग ग्रुप भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये ग्रुप उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते मगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। इस ग्रुप में आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z सब कुछ सिखाया जाएगा। ये 4 मंथ का कोर्स है और मंथली फीस है 5000 रुपीज। स्क्रीन पर चलते हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और इन दोनों प्रोजेक्ट में से जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। के मामला ये है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में कोई नहीं जा रहा, डिफॉल्ट में जाने की ये सब नेगेटिव रूमर्स की खबरें हैं। असल में मामला मैं आपको बताता हूँ वो क्या है कि असल में गवर्नमेंट ने पैसा हथियाना है बाहर से, क्योंकि देखें फ्लड की सिचुएशन जो हुई है पाकिस्तान में, अगर हम अभी से देखो अपनी सारा हर चीज़ ओके कर देंगे, जिस चीज़ का देना लेना वो सारा ओके कर देंगे, तो हमें बाहर से कौन पैसा देगा? वो तो कहेगा इनके पास हर चीज़ है, इनके पास सब कुछ पैसा है, तो हमसे क्यों मांग रहे हैं? तो ये मांगने वाला काम पहले होता है, फिर शो कराने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं किसको पैसे। तो ये जो PDM बैठी है ना, ये बड़ी जिसको आप पंजाबी के वर्ड कहते हैं ना, खोचल है, यानी कि बहुत सियानी है गवर्नमेंट ये वाली। पूरी PDM 12 जमातों से मिलकर बनी है। ये लोग मुझे बताएं बेवकूफ़ हैं कि जो इलेक्शन सर्वे हैं और सारी पार्टियों का फ्यूचर इस इलेक्शन पे है, तो ये पागल हैं, ये बेवकूफ़ हैं, ये मुल्क को डिफॉल्ट करा के तो बाद में पब्लिक के पास जाएंगे हमें वोट दें, तो इनको तो जूतियां पड़ेंगी, वोट थोड़ी मिलेगा इन्हें। इन लोगों ने सियासत खेली है कि ये सारी चीज़ें बता के, ये शो करा के, इन्होंने IMF से भी पैसा लेना है, ADB से भी पैसा लेना है, वर्ल्ड बैंक से भी लेना है और 25-30 और अलहदा कंट्रियों से पैसा लेना, जो कि पीछे आपको दिखाया साख बनाई हुई है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों में जाके ये सारे मामला कर चुके हैं, अब काम करीब करीब है पैसे मिलने का, पैसा बड़ा ठीक ठाक आ जाना है। और दूसरे नंबर पे जो पैसा इन्होंने, जो 5 दिसंबर को डेट आ रही है स्कूक बॉन्ड यूरो बॉन्ड का जो पेमेंट्स वगैरह करनी है, उससे 4 गुना पैसा इनके पास पड़ा है, सब कुछ है। ये सब बातें हैं, बात वही कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये हाथी के दांत दिखाए जा रहे हैं, खाने वाले दांत और हैं, जो कि आपको पता चल जाएगा 10 दिन बाद के पाकिस्तान में कितना पैसा है। आपको सारी चीज़ें ये 5 दिसंबर के बाद देखिएगा, सब चीज़ें पता
चल जाएंगी कि पाकिस्तान के बहुत बहुत पैसा माशाल्लाह, और ता क़यामत ये पैसे की कमी नहीं होनी पाकिस्तान। तो दोस्तों ये चीज़ थी, यानी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में नहीं जा रहा और इसके चांसेस 0% है, ये आप देख लें। और कोई भी ऐसी नेगेटिव रूमर्स की खबरें आती हैं उनको पढ़े धकेलें और अपना मार्केट पे ध्यान दें, और कोई कहे आपको स्टॉक बेच दें आपको, भाई हमने और खरीदने हैं, आप स्टॉक और खरीदें जो नीचे आपको अच्छे वैल्यू में स्टॉक मिल रहे हैं, आपके पास जो पेमेंट जहां पे भी है आप सारी पेमेंट इस दौर में लगा दें, कोई रिस्की वाला मामला नहीं है, ये सब तोड़जोड़ हो रहे हैं, ये मार्केट आपकी 50 के तक जानी है, ये मेरी बात याद रख लें, इंशाल्लाह जनवरी फरवरी तक, ठीक है। तो नेगेटिव रूमर्स को अब आपने माइंड में नहीं लाना, बेवकूफ़ी नहीं करनी, आप भी बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, मासूमियत आप पे माशाल्लाह मेहरबान है, और आप स्टॉक मार्केट का काम करते हैं कि इन बातों को आप समझा करें, ये सब ये एक मसाले होते हैं ये काम करने के, उल्ट काम करते हैं और मार्केट को ऐसे डाउनग्रेड दिखा के पैनिक फैला के आपसे माल खींच लेते हैं, फिर वो मार्केट बुलंदियों पे होती है, आप लोग सर पकड़ के बैठे होते हैं, वो झूम रहे होते हैं कि जी लो जी हमें ये कितने देखो बेवकूफ़ लोग हैं, इन्होंने माल हमें थमा दिया है, अब हम ऊपर बेचेंगे, इनको दोबारा पकड़ा देंगे और हम इधर से निकल आएंगे, और आप लोगों ने फिर ऊपर रेटों पर माल पकड़ लेना। तो लिहाजा ये पॉलिसी छोड़ें, बिग प्लेयर्स बने, उनकी तरह से आप पैनिक की सिचुएशन में माल खरीदें और मार्केट जब बुलिश हो तब बेचें, और फिर आप लोग भी वही बिग प्लेयर कहलाएंगे जो आप बार बार बिग प्लेयर्स का नाम लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये बात तो तय हो गई कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा। दूसरी बात कि स्टॉक मार्केट का फ्यूचर क्या है, तो दोस्तों स्टॉक मार्केट का फ्यूचर आपका बहुत तापनाक है इस वक्त, आपकी स्टॉक मार्केट सोने की चिड़िया है, मुर्गी जो सोने के अंडे देती है वो वाली मुर्गी आपकी बनने जा रही है, इसकी एक अलहदा वीडियो आगे आ रही है, सारी मैं डिटेल बताऊंगा कैसे बनने जा रही है, वो लाजमी देखनी है वो भी आप। तो स्टॉक मार्केट का आपका फ्यूचर बेहतरीन है, आप जैसे मर्जी इन्वेस्टमेंट करें, जो जो आपने तिजोरियों में पैसा पूसा रखा सब डाल दें इस वक्त मार्केट में, कोई रिस्क नहीं है किसी किस्म का, ये ऐसे ही यानी कि बस मार्केट में खबरें फ्लॉप लो के आपको डरा रहे हैं तो डरने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आज आपके लिए जो तीन स्टॉक रखे हैं वो बताने जा रहा हूं, तो बड़ा मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दें, आपके 15-20 सेकंड लगने हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सब दोस्तों में शेयर कर लें, और तमाम वो दोस्त जो अभी भी लॉस रख के बैठे हैं ये तो मौका है इस वक्त लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करें, आए नंबर नोट करें और अभी रब्ता करें, आपका सारा लॉस भी इंशाल्लाह दूर करवाएंगे और इसको प्रॉफिट में बदलेंगे। नंबर नोट कर लें 0323-4714528। तो दोस्तों आज आपके जो तीन स्टॉक हैं वो देख लें, ये टाइगर स्टॉक हैं, सबसे पहला है जी NRL, ये है जी नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड, दूसरे नंबर पे है लोटे केमिकल लॉट कैम्प, तीसरे पे है जी MEBL मिजान बैंक लिमिटेड, ठीक है। दोस्तों आज इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दुआओं में याद रखिएगा, आपका दोस्त आपका खादिम आपका मुखलिस आमिर शहजाद, अल्लाह हाफिज़।